खरगोन में मध्य प्रदेश सहकारिता समिति कर्मचारी महासंघ के बैनर तले सोमवार को राशन दुकान संचालकों ने कलेक्टर कार्यालय पहुंचकर 8 सूत्री मांगों का ज्ञापन सौंपकर समस्याओं के निराकरण की मांग की। महासंघ के पदाधिकारियों ने बताया कि अक्टूबर के बाद अब नवंबर माह में भी सर्वर डाउन होने से राशन वितरण में समस्या आ रही है। समय पर खाद्यान्न नहीं मिलने से रोजाना वाद विवाद की स्थिति बन रही है। इसके निदान के साथ ही एमडीएम व पोषण आहार का कमीशन लंबे समय से नहीं मिला है। यदि ऐसा होता रहा तो वितरण बंद करने को मजबूर होंगे। इसके अलावा दुकानों तक समय पर खाद्यान्न भंडारण नहीं हो रहा है, जिससे हितग्राहियों को भी समय पर राशन वितरण नहीं कर पा रहे हैं। केंद्र सरकार द्वारा दिए जा रहे राशन का एक तिहाई राशि दिलाई जाए, बैंक सेवा नियम संशोधन प्रक्रिया के बाद भर्ती में उन्हें प्राथमिकता दिए जाने जैसी मांग की है। समस्या आ रही है कि पूरे जिले में कुछ लोग 181 पे शिकायत कर देते हैं, इससे कि सेल्समैन जबरदस्ती में परेशान होता है, उसकी कोई गलती नहीं होती, फिर भी उसे प्रताड़ित किया जाता है, वो मानसिक रूप से वो परेशान होता है। तो हम शासन प्रशासन से निवेदन करते हैं कि ऐसे ब्लैकमेल जो भी करते हैं उन पर रोक लगाई जाए। वास्तव में जिसने गलत किया उसको सजा मिलना चाहिए, लेकिन जो नहीं है उसमें कसूरवार उसको भी इस तरीके से जानकारी मांगना और शिकायत करना ये कोई औचित्य नहीं है। और आज की विशेष मांग तो सर्वर को लेकर थी, जो हमारे लखन चौधरी जिलाध्यक्ष और तिलोक भाई के नेतृत्व में पूरी टीम आई थी, उन्होंने रखी है माननीय कलेक्टर साहब के माध्यम से कि हमारी सर्वर की समस्या हल हो, जिससे कि हम सब दुकानदार सही दुकान चलाने में अपना सहयोग प्रशासन जिला प्रशासन और मध्य प्रदेश शासन को कर सके। आज हम जिले भर के कंट्रोल दुकान संचालक विक्रेता साथी सेल्समैन जो कि लंबे समय से बहुत परेशान हो रहे हैं, हम जब राशन दुकान वितरण का कार्य करते हैं तो सबसे बड़ी समस्या आ रही है हमको सर्वर डाउन की। और जब अधिकारियों से निवेदन करते हैं कि सर्वर डाउन है, दुकान नहीं संचालित हो पा रही है, तो अधिकारी भी भोपाल और हैदराबाद का बता के अपना पल्ला झाड़ लेते हैं। लेकिन वास्तविकता यह है कि जो दुकान संचालित कर रहा है सेल्समैन वो बहुत परेशान है, क्योंकि एक मजदूर जब अपनी मजदूरी छोड़ के राशन लेने आता है और उसको पूरा दिन देखने के बाद भी जब राशन नहीं मिलता है तो उसकी जो बद्दुआ है, उसका जो आक्रोश है, वो सेल्समैन पर निकलता है। और दूसरी चीज, राज्य सरकार का खाद्यान्न, केंद्र सरकार का खाद्यान्न, दोनों के अलग अलग फिंगर प्रिंट लगते हैं POS मशीन पर, उससे बहुत ज्यादा समय लगता है, उससे भी ग्राहकों में असंतोष होता है, लंबा समय लगता है राशन लेने के लिए। इसके साथ ही जो हमारे जिले भर में 600 के करीब राशन दुकानें हैं, आज सभी सेल्समैन साथी आज यहाँ कलेक्टर महोदय को ज्ञापन देने इसीलिए आए हैं कि हमारी जो समस्याएं हैं कि सेल्समैन इतना प्रताड़ित हो रहा है कि एक तरफ अधिकारियों के निर्देश मानना पड़ता है, दूसरी तरफ ग्राहकों का आक्रोश झेलना पड़ता है। सेल्समैन के साथ बड़ा ही भेदभावपूर्ण व्यवहार हो रहा है, उसको जो खाद्यान्न में कमीशन की पात्रता है 1/3 हिस्से की, उससे भी वंचित रखा जा रहा है। इसके साथ साथ उसको घर घर जाकर आधार सेडिंग के कार्य भी करना पड़ रहे हैं। ऐसे सभी कार्यों को वो संपादित करते हुए अपनी परेशानियां झेलते हुए भी अपने पेट के खातिर वो नौकरी कर रहा है, लेकिन शासन प्रशासन उसकी समस्याओं पर कोई ध्यान नहीं दे रहा है। हमने कलेक्टर महोदय को ज्ञापन के माध्यम से सबसे बड़ी समस्या सर्वर डाउन और खाद्यान्न भी एक बार में दुकान पर नहीं आता है, तो ग्राहक को दो दो चार चार बार चक्कर काटना पड़ता है, इसके बाद सर्वर की समस्या, और उसको खाद्यान्न जब नहीं मिलता है तो उसका आक्रोश सेल्समैन पर निकलता है। और इन सब समस्याओं को लेकर आज जिले भर के हमारे सहकारिता कर्मचारी साथी और दुकान संचालक सभी कलेक्टर महोदय से निवेदन करने आए हैं कि हमारी समस्याओं का निराकरण किया जाए, और यदि निराकरण नहीं किया जाता है तो हमें आगे और कार्रवाई के लिए मजबूर होना पड़ेगा, जिसकी समस्त जिम्मेदारी शासन की रहेगी। खरगोन से अब्राहम पठान की रिपोर्ट।